गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा डे 3। कल बोट राइड करने के बाद ना बहुत वेदर ख़राब हो गया था, तो हम लोग ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए कल के दिन। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग आ गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो आज आए हैं हम लोग एक छोटे से टाउन में नेदरलैंड्स के, जिसका नाम है जानसेस खांस। अब ये टाउन में क्या है और किस चीज़ के लिए ये फेमस है, ये हम आपको वहाँ जब लेके चलेंगे तब बताएंगे। बाय द वे हम लोग एम्स्टरडेम में नहीं है, एम्स्टरडेम से अराउंड हाफ एन आवर की ट्रेन जर्नी करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम एक छोटे गांव में आ गए। राइट, एक छोटा सा गांव है, नेदरलैंड्स का गांव है ये। यस, तो इस गांव में घूमेंगे और इस गांव में क्या खास है वो आपको बताएंगे, तो चलिए चलते हैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात आज ये है कि आज वेदर पूरा क्लियर है, तो कोई क्लाउड नहीं, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, बहुत सनी वेदर है। ठंड है हालांकि, लेकिन वेदर बहुत सनी है, तो हम लोग काफी अच्छे से शूट कर पाएंगे आई थिंक। और ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ, तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना आप। तो चलिए चलते हैं और नेदरलैंड के इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं। लोग ना बहुत हीरो बन रहे थे कि टोपा नहीं लगाएंगे और लुक खराब हो जाएगा, बट थोड़ी देर में हमको समझ में आ गया कि बिना टोपे के काम नहीं चलेगा। फिर फाइनली दोनों ने एक साथ बोला कि यार टोपा लगा लेते हैं। यार बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है, इतने ठंड लग रही है। हाँ, मतलब ठंड और हवा चल रही है, ऑलमोस्ट 1 degree 0 degree ऐसा टेम्परेचर हो गया है। धूप है, आप देख सकते हो कि धूप है, मतलब नहीं है उसको। बट इस धूप से कोई मदद नहीं मिल रही है, ये ऐसी हवा और ऐसी ठंड में ना बहुत हालत खराब हो रही है। हम लोग बहुत मुश्किल हो रही है हमें शूट करने में। तो अब हम जैसे भी लग रहे हैं, प्लीज अब हम ऐसे। तो अभी एक्चुअली हम लोग एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं वो गांव में पहुंचने के लिए, और इस ब्रिज से पूरा जो गांव है इसका एक बहुत बढ़िया लुक आता है। और ये देख के आप समझ जाओगे कि ये क्यों फेमस है गांव। तो ये फेमस है अपनी विंड मिल्स के लिए। हम लोग विंड मिल्स के बारे में डिटेल में बताएंगे कि विंड मिल्स यहाँ पे क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप अभी अगर ठंड में प्लान कर रहे हो ना, तो आप ग्लव्स भी लेके आना और टोपा भी लेके आना और 3-4 layers पहन के आना। यस, क्योंकि भाई बहुत, ये एक्चुअली विंटर डेस्टिनेशन है ही नहीं है, ये समर डेस्टिनेशन है और हम लोग आ गए विंटर्स में। बट ठीक है, चलो हम लोग करते हैं शूट बढ़िया। और विंटर का ठंड में भी आप लोगों के लिए शूट करेंगे शूट करेंगे, विंटर का मजा लेंगे और आप लोग भी उधर व्लॉग का मजा लो। और ये वीडियो लाइक कर देना यार, ठीक है चलो फिर आगे की चीजें दिखाते हैं आपको। चलो, गाय तगड़ी है। और अंदर अंदर म्यूजियम में एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया हमने, उसमें दिखा रहे हैं कि एक बंदा गाय का दूध निकाल रहा है और उस दूध से चीज कैसे बनता है। बट मैंने तो वही देखा कि हमारी इंडिया की गाय बड़ी पतली दुबली होती है, यहाँ तगड़ी तगड़ी गाय होती है। गाय है कि क्या है, एकदम बैल जैसी गाय, बैल जैसी गाय होती है। ठंड है ना तो मोटी चमड़ी वाली रहती है। गांव है ना, ये एक्चुअली इस इन सारी विंडमिल्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। ये विंडमिल्स एम्स्टरडेम या फिर नॉर्थ के जो शहर है वहां पे हुआ करती थी पहले, फिर वहां से उनको यहाँ लाके प्रिजर्व किया है इस गांव में। और ये जो विंडमिल का जो फैन है उसके नीचे आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, राइट, वो एक्चुअली लोगों के घर है। वहां पे कुछ फैमिलीज पहले भी रहती थी और कुछ फैमिलीज आज भी रहती है उनमें। और कुछ विंडमिल्स को इन्होंने म्यूजियम बना दिया है, वहाँ पे जाके आप अंदर देख सकते हो, उसका फंक्शन समझ सकते हो। बेसिकली पुराने ज़माने में इसका पर्पस क्या होता था ना, कि छोटे छोटे घर के काम किए जाते थे इससे, जैसे ऑयल बनाना या फिर चीज़ बनाना, और ये सब होता था पहले। तो बेसिकली यही है सब कुछ इन
विंडमिल्स के बारे में।